सो देखो फ्रेंड्स, ये है हमारा डोसा लपलपाता हुआ। कैमरामैन जल्दी से। एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज रेशमा भी आ चुकी है और जैसे मैंने कल कहा था, मैंने बैटर भिगा के रखा था मसाले डोसे के लिए, तो मैं दिखाती हूँ आपको। तो देखिए, ये बैटर था, देखिए इसका टेक्सचर, और मैं बता रही हूँ आपको कैसे बनाना। थोड़ा सा अब ये देखना, ये मुझे निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये खुद से निकल जाएगा। ओके, क्यों? रेशमा पूछ रही है क्यों? क्योंकि वैसा मैंने बैटर बनाया है कि वो चिपकेगा नहीं। ठीक है, इसको आपको निकालना ही नहीं पड़ेगा, मैंने ऑलरेडी दो बना दिया है। देखो, भूल गई थी वीडियो निकालना, तो मुझे याद आया कि वीडियो भी निकालना है। और एक तरफ मैंने भाजी बनाई हूँ, मसाले डोसे की ही मतलब तैयारी करने लगा हूँ। इसमें कोई कटिंग कट वट नहीं किया मैंने। ठीक है, देखो ऑटोमेटिक निकल गया, निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, ऐसी आपको बाकी सब भी बना लेना है। ये अभी सादा डोसा है, मैं देखिए ये है सादा डोसा। ठीक है, बस जैसा बताया है मैंने वैसे ही फॉलो करो तो जरूर ऐसा ही बनेगा। गरम गरम बनाओ तो क्रिस्पी बनता है, मतलब गरम, अभी तो ठंडा हो गया ये। और ये है भाजी। ठीक है, चलो अभी मसाला वो बैटर बन जाएगा तो मैं मसाला डोसा बना लूँ। सो ये अब मैं जा रही हूँ मसाला डोसा बनाने, थोड़ा ऑयल लगाया इस पर। जैसे आपको कहा था, ये छोड़ देता है, देखो वो ज्यादा वो नहीं करना है। सेजवान चटनी वाला बनाना है तो वो भी बनाइए। ठीक है, और खाइए और अपने परिवार को खिलाइए गाइस। ठीक है, एक तो मेरे को ना दो चीज साथ में होता नहीं है, ब्लॉगिंग और ये काम। रेशमा सॉफ्ट बना, क्रंची बना, खुल भी नहीं रही है। सो देखो फ्रेंड्स, ये है हमारा डोसा लपलपाता हुआ, इसको बोलते लपलपाई डोसा। ठीक है, ओ माय गॉड, आराम से। एक्चुअली ना आजकल मेरा ना लोग बहुत कॉपी करते हैं, जो भी कॉपी करता है ढंग से। सो फ्रेंड्स, आजकल ना लोग मेरी बहुत कॉपी करते हैं। ठीक है कैसे, लेकिन गाइस जो भी कॉपी करता है ना, ढंग से कॉपी कीजिए, इतनी बेइज्जती मत कीजिए एक्ट करके, ऐसा वाला नहीं, अच्छा वाला। ठीक है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड रख के कीजिए। ज़्यादा बोल दिया मैंने, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, लाहौल वाला पुअर। गाइस जो भी कॉपी करता ना ऐसा वाला, तो प्रॉपरली कॉपी करो गाइस, स्टैंडर्ड के हिसाब से करो। ठीक है, ऐसे मत करो यार, इतना चीप लेवल अच्छा नहीं लगता फ्रेंड्स। सो ये सिर्फ जो कॉपी करता उसके लिए था। ठीक है, प्रॉपरली कॉपी करो, शर्म आती है ऐसा देखते मुझे। थोड़ा सा अच्छा करेंगे तो लाइक दूंगी ना फ्रेंड्स। रेशमा कैसी है तू? अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल सब ना अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकअल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह बहुत बोलते हैं लोग, ये इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह। रेशमा, और डोसा कब खाएगी रेशमा? रेशमा तू
जब तुम खाएंगे। तो चल फिर, अब तेरा इंतजार करूँ, कब तक करूँ? ये तक खंगालने तक, ये खंगालने तक। चल अभी डोसा ठंडा हो जाएगा हमारा, देखो सब रेडी है, चाय रेडी है, डोसा रेडी है। ये मैडम एहसान करती भाई खा के मेरे पर, नहीं खाएंगे तो फिर गिर भी जाएंगे, तो इसको भी एक टेंशन, इसको कौन लेके जाएगा बाबा, मेरे में ताकत नहीं है। वैसे भी देखिए मेरे को लेके जाने वाले कोई है ही नहीं, अब दो ही नहीं लोग बचे। वैसे भी लोग कैसे कॉपी करते मेरा हफ्ते में, तो अभी मेरे पास ताकत नहीं है उसको लेके जाने पूर्ता। माशाल्लाह इतनी ताकत है और वैसे ताकत नहीं है। अरे रे 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 रेशमा काई को ये क्यों को देख के कोई भी बोल सकता है कि हाँ मेरे में ताकत नहीं है। हाँ तेरे में तो है ही नहीं, तेरे को एक धक्का मारती तो तू 104 लादी पीछे जाती है। अरे रे रे रेशमा क्या होगा तेरे अब्बा का, कब है? 24 एक महीने के बाद याद आती रेशमा? बहुत बुलाई से बुलाई नहीं जाता। दुआ कर और पढ़ पढ़ के बकश, ठीक है? बहुत याद आती है मेरे अब्बा मेरे मम्मी जो थे बिचारे गए, अब सबको फायदा मिल गया है। अब रेशमा की लगी मारने बरोबर, गाँव जा के खेत जोतो, खेत जोतेगी। हाँ। जाने दे, तो यहाँ तू काम कर, फिर हमारा काम कौन करेगा? है ना संजना है, संजना ताई यू रॉक। संजना ताई अच्छी है बेचारे, मालूम बहुत अच्छी, एक जबान बोलेंगे ना कभी मना नहीं करते, हंसते रहते हैं, लेकिन मेरे को फोन पे करेंगे ना हंसेंगे, हाँ तुम्हारा वीडियो मैं देखती हूँ, यस ताई ये तुम्हारे लिए था खास। रेशमा भी तुम्हारी बहुत वो करती है, इज्जत करती है और तुम्हारी तारीफ करती है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि नहीं करती है, लेकिन करती है। कोई बेचारे अच्छे हैं, वो जिस दिन नहीं आया, मतलब ये नहीं आएगी तो अम्मी बुला लेते, तो कभी मना नहीं करते, वो एक मतलब रेडी रहते हैं। हम लोगों को तो कभी मना नहीं किया। स्कूल में बर्थडे मनाई, सेलिब्रेट किया तूने, अच्छे से किया, सब टीचर्स को चॉकलेट दिया और सब फ्रेंड्स को, हाँ उसकी फ्रेंड्स ने गिफ्ट भी दिए, एक ने कप दिया, एक ने किचन दिया, फिर एक ने टैब दिया, वैसा वाला टैब मत बोल, बेहोश हो जाएंगी ना। वो लिखने वाला वो जो रब करते हैं ना डिलीट वाला, वो वाला टैब दिया, फिर एक ने बुक दिया और एक ने ग्रीटिंग कार्ड दिया, बहुत सारे दिए। ओहो मुबारक हो, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। सो फ्रेंड्स आज हमारे किचन में क्या बन रहा है, ठीक है? चलो देखो, मैंने पिछली बार जो फेश मतलब वो क्रीम से स्क्रबिंग किया था मैंने, देखो रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे रहते हैं उसके, आपको दिखाती हूँ क्या बन रहा है आज। मैंने लास्ट टाइम कहा था ना बिरयानी बनाऊँगी, तो बिरयानी ही बना रही हूँ। सो देखो ये हो रहा है, बरिस्ता बना लिया है मैंने, ठीक है? इसको पहले मैंने टिश्यू पे रखा था, उसके बाद इसको यहाँ रखा है, और चावल भी हो गए हैं आज थोड़े से वो, और अभी जा रही हूँ सलाद वगैरह काट लूँगी, कचुमड़ बना लूँगी, आज तो मज़ा ही आ जाएगा। आज बिरयानी बहुत दिन के बाद खा रहे बना रही हूँ और खा रहे हैं, मतलब सालन वालन तो बनता ही रहता है, ये चिकन बटर चिकन, ये चिकन वो चिकन, तो आज बिरयानी बहुत टाइम के बाद, एक्चुअली टाइम नहीं मिलता, अभी छुट्टी हो गई जैसे आज से बच्चों की, तो बना रही हूँ। ओके सो जो मेरे चैनल पे न्यू है, जिसको भी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, तो मैं इसकी रेसिपी अपलोड कर दूँगी, तो मैं रेसिपी अपलोड नहीं कर रही हूँ ये बार, ठीक है? और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अपलोड कर दूँगी। और जो और कुछ नहीं करा, कुछ लग गया है ये देखो यहाँ, और एक्चुअली मैंने ना रात में झींगा खा लिया था, वो सूखा झींगा होता है ना, तो वो खा लिया था, तो मुझे एलर्जी हो गई थी उससे, एलर्जी इन द सेंस मेरा चेहरा पूरा सूज गया था सुबह में, इतना सूज गया था। एक्चुअली फिज़ा को भी एलर्जी, हम माँ बेटी एलर्जी वाले, तो फिज़ा को भी एलर्जी है, मेरे को भी एलर्जी है, तो उसका भी अगर वो सूखा झींगा खा लेती है तो उसको हो जाता है। तो आज पहली बार मुझे ऐसा हुआ कि मैंने सूखा झींगा खाया और मुझे मेरा सुबह पूरा चेहरा ऐसा सूज गया था, मेरी आँखें ही वो थी खुल नहीं रहा था, मैं डर गई, मैं अम्मी को कॉल की फटाफट, तो अम्मी बोले कुछ नहीं वो एलर्जी होता, मतलब डॉक्टर से जाके कंसल्ट किया मैंने, तो डॉक्टर ने बताया कुछ नहीं एलर्जी है, वो कोई कोई चीज़ें सूट नहीं होती इंसान को, ठीक है? खुशबू तो माशाल्लाह आ रही है,
सो गाइस आजकल तो बरिस्ता एक्चुअली बाहर भी पैकेट में मिलता है, लेकिन पता नहीं कैसे बनता है क्या बनता है, तो मैं प्रिफर नहीं करती हूँ। मैं यही घर में बना रहे, थोड़ा बना लो थोड़ा खा लो फ्रेश, वो प्रिफर करती हूँ। और मकेन्स वगैरह जो रहता है फ्रोज़न फूड, वो भी नहीं रखती हूँ, मैं खुद बनाती हूँ, खुद ही कुछ चीज़ें बना के फ्रोज कर देती हूँ। अगर मुझे जैसा चाहिए तो मैं खुद ही बना के फ्रोज के लिए रख देती हूँ। लेकिन मैं बाहर का बहुत अभी तो एकदम ही कम ही कर दिया है, क्योंकि पिछली बार मैंने कुछ वीडियोस वगैरह देखा था मैगी वगैरह का, तो वो काफ़ी डिस्टर्बिंग था, तो मैंने मैगी वगैरह तो बिल्कुल बंद कर दिया। बच्चों का मैगी है ये सब एकदम लिटरली बंद किया, आप लास्ट कितने ब्लॉग्स देखोगे उसमें मैगी नहीं है। सो ठीक है, मैंने उसको बंद कर दिया। मैंने एक वीडियो देखा था तो जो काफ़ी डिस्टर्ब हुआ था मुझे, तो उसके लिए मैंने मैगी बंद कर दिया है। बच्चों की मैगी वो बोलते हैं, लेकिन मैंने उन्हें भी दिखाया तो वो लोग भी मना करते हैं कि नहीं चाहिए हमें, और फ्रोजन फूड भी ज़्यादा खाना नहीं चाहिए, पता नहीं कैसे बनता है क्या बनता है, कैसी चीज़ें यूज़ होती है। तो ज़्यादा आप घर पर बना लो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना लो, फ्रोज कर दो, ठीक है। सो ये चीज़ें मैंने गार्निश के लिए रखी हूँ, ठीक है। आप सोचेंगे कैसी बिरयानी बना रही हूँ, कुछ हट के बना रही हूँ, ठीक है। ये गार्निश के लिए, ये एक्चुअली टर्की में होता है ना, टुर्की में, तो वैसा टाइप बना रही हूँ, ठीक है। तो गार्निश कैसे करते हैं मैं बताऊँगी आपको, अभी तो मेरा बन गया है, नेक्स्ट टाइम मैं पूरा इसका वीडियो भी डाल दूँगी। फ्रेंड्स चलो गार्निश करेंगे पूरा, अभी मसाला और चावल वो करेंगे। आज टर्किश था, लेकिन अभी पता नहीं, पिज्ज़ा तो मेरे को मना करे, मम्मी मत बनाओ, मम्मी पता नहीं क्या बनाते तू, तो मैंने फर्स्ट टाइम ये वाली बिरयानी ट्राई की है, तो चलो दिखाती हूँ आपको। सो फ्रेंड्स बिस्मिल्ला, आज पता नहीं क्या बनाया मैंने, जो भी बनाया है बस खाइए खाइए और सबको आजू बाजू खिलाइए, ठीक है। ये ग्रेवी है, क्या बोल रहे तुम, रुको गाइस रुक जाओ थोड़ा सा, मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ, डायरेक्ट डालेंगे अपन, ज़्यादा टेंशन नहीं पालेंगे, ठीक है गाइस। ये हमने डाले, इसके अंदर हम थोड़ा सा कोरिएंडर डालेंगे, ठीक है, और ये पुदीना और कोरिएंडर सब साथ में, ठीक है, क्योंकि मैंने इसमें बहुत दिमाग लगाया है फ्रेंड्स क्योंकि मैंने इसमें बहुत दिमाग लगाया गाइस, तो ज्यादा एक्स्ट्रा वाले दिमाग नहीं करना, और अच्छी बनेगी ना तो मैं नेक्स्ट टाइम इसकी रेसिपी अपलोड करूंगी, ऐसे तो अच्छी बनेगी, ठीक है। अरे यार गरम है नहीं, फ्रेंड्स कंजूसी नहीं करना है आपको, कोथमीर डालने में, ठीक है, कोथमीर और पुदीना डालने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करना, ठीक है, भर भर के डालिए। उसके बाद आप डालिए बरिस्ता, ये भी भर भर के डालिए, जब भर भर के बनाया है तो भर भर के डालिए, ठीक है। और ये हमारे टमाटो जो बहुत महंगे थे बीच में, तो सस्ते हो गए, इसके लिए बिरयानी का सोच लिया हमने, ठीक है। देखो मैंने परफेक्ट निकाला था। और ये हमारा जाएगा लेमन, ठीक है, बोलेंगे अरफाज पकला गई है पकलाने गई हूँ थोड़ा सा। अब इसको रखेंगे, चालू करें, अब इसे डालना है कलर, थोड़ा सा हमें डालना है कलर जो है जायका, ठीक है फ्रेंड्स, इंजॉय करते हैं।
दिख रही हूँ मैं, अब इसको रखेंगे दम पे। ओके चलो बंद कर दो अभी। सो मैंने इसको दम होने के लिए रख दिया, ठीक है। इसके ऊपर कुछ वजन रखना है, 10 मिनट के बाद आपको आपकी बिरयानी रेडी है। अब मेरे को कचुमड़ बनाना है। भाप आया गाइस, अब इसको देखेंगे क्या है क्या। फ्रेंड्स ये हमारी बिरयानी तैयार हो गई है, देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत बनी है और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा बना है। आप भी ट्राई करना, मैं रेसिपी नेक्स्ट टाइम अपलोड करूँगी, मैं भी फर्स्ट टाइम ये बिरयानी बनाई हूँ तो। ठीक है चलिए, सो फ्रेंड्स टेक केयर एवरीवन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और मैं इंशाल्लाह अगली बार रेसिपी अपलोड करूँगी। मैं जस्ट ट्राई कर रही थी कैसे क्या बनता है। एक्चुअली इसमें दो तीन किस्म की बनता है, एक आपको फ्राई करके भी बनाने का है, बहुत मतलब दो तीन किस्म का है इसका ट्राई। तो मैंने जस्ट फर्स्ट टाइम ट्राई किया ये वाला, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है। ठीक है।